तो जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हिंदी सीखे चैनल पर गुड मॉर्निंग और स्वागत है। मैं आज शिवाजी सर जीएस का क्लास लेकर आया हूँ, जो इस वीडियो का चौथा पार्ट आज है। तो मैं निवेदन करूँगा, आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट और दोस्तों से, कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं 3 वीडियो अपने जीएस पार्ट संविधान से जारी कर चुके हैं, जिसमें बेहद आप लोगों का सब्सक्राइब रह रहा है, कमेंट आ रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रक्रिया जारी रहे ताकि हम टीचर हिंदी और जीएस के, जो हिंदी के टीचर हरकेश्वर सर और मैं शिवाजी सर, दोनों का मनोबल बढ़े, ताकि यह वीडियो हमारे दोनों टीचरों की तरफ से जारी रहे। क्योंकि मनोबल आप बढ़ाएंगे तो हम लोगों का मनोबल जब बढ़ेगा तो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आपके पास लाएंगे। जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो हम दोनों टीचरों की तरफ से ये पूरा 100% में 100% प्रयास किया जाता है कि जो पढ़ाया जाएगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने के चांस हो ही नहीं सकते हैं। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा लड़का भी इस वीडियो दूसरे वीडियो से सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी हम गारंटी देते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है बिल्कुल परीक्षा को देखते हुए, परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। समय बर्बाद हम नहीं करते हैं, आपके समय को हम समझते हैं कि आपका समय कितना बेशकीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को हमारे द्वारा समझा जाता है और हमारी बातों को आप ध्यान दें। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक, तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा संविधान से नागरिकता। नागरिकता आप जानते होंगे कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का एक नागरिक होता है। ठीक, भारत के नागरिकता की बात जहाँ तक है तो भारत की नागरिकता, लोग भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक, जहाँ तक बात ब्रिटेन, यानी भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई। पहला क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि नागरिकता, नागरिकता जो संविधान के भाग दो में वर्णित है, कितने में, तो भाग दो में। देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं 100% में 100% दावा कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ अन्य चैनलों को भी, कि अगर जो भी चीज़ें मैं देने जा रहा हूँ इससे बाहर यदि क्वेश्चन बने तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, इसका मैं दावा कर रहा हूँ। बात जहाँ तक है नागरिकता, नागरिकता संविधान के भाग दो में वर्णित है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यही बनता है कि नागरिकता किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नागरिकता भाग कितने में है, तो दो में है। बहुत लगभग जितने भी आज के विगत वर्षों में विगत एग्जाम हुए सब में ये क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता भाग कितने में है, तो नागरिकता भाग दो में है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक किसी देश का योगदान रहा तो ब्रिटेन का रहा। भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई कारक रहा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। ठीक, इसी के साथ आगे चलते हुए नागरिकता भाग दो में जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित, ये भी क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11। ये जो भी चीज़ें लिखी जा रही है बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अंत तक बने रहेंगे। जैसे फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म में जैसे आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाते तब आपको कहानी समझ में आती है और उसके बाद अपने आप को, आप उस फिल्म को समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। क्योंकि अगर परीक्षा में आप पॉइंट से छटते हैं तो आपको महसूस होता है कि हमने कहाँ गलती की, और आपका दोस्त, आपके साथ का दोस्त जो इन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बरकरार रखता है, मेहनत को बरकरार रखता है, वो नौकरी पा जाता है। अब जब आप पॉइंट से छटते हैं तो आपको यह महसूस होता है कहीं ना कहीं हमने गलती की, तो वो गलती आप दोबारा मत कीजिए। किसी भी वीडियो को हमारे द्वारा, जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। क्यों, क्योंकि ये कई क्वेश्चन आपके ज़िंदगी को बना सकता है और कई क्वेश्चन आपके ज़िंदगी को बिगाड़ सकता है। तो ज़िंदगी बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवरेगी, आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आपका लाइफ का अच्छा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खराब होगी, आप इसके गुनहगार स्वयं होंगे, आप इसके सजा आप
अपने आप को गुना खुद साबित करेंगे तो अपने द्वारा गलती मत कीजिए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे आते हैं, नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, नागरिकता भाग कितने में, तो दो है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, अब बात आती है कि नागरिकता होता क्या है। ठीक, नागरिकता क्या होता है, हर एक गांव का नागरिक होता है, एक प्रदेश का नागरिक होता है, एक जिले का नागरिक होता है, एक देश का नागरिक होता है। ठीक, लेकिन भारत का जो नागरिक होता है केवल भारत का नागरिक होता है। देखिए कितना अच्छी बात, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। एकदम दावे से कहते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ा देंगे वो आपको याद नहीं करना है, केवल वीडियो देख लेंगे तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में जाएंगे देखते ही मारेंगे कि ये शिवाजी सर के द्वारा पढ़ाया हुआ था। आपका ध्यान किसी और विकल्प पर नहीं जाएगा, सेम वहीं पर जाएगा। जब आप क्वेश्चन आएगा तो हमारा वीडियो आपके दिमाग में बनेगा और आप दनाक दे इसको जवाब देंगे। तो नागरिकता भारत के, आप भारत के नागरिक है तो जब भारत के नागरिक हो तो नागरिक आपकी नागरिकता कैसी होगी, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता ब्रिटेन की नागरिकता, ब्रिटेन से भारत की नागरिकता ली गई तो ब्रिटेन की भी नागरिकता कैसी होगी, एकल होगी। ठीक, थोड़ा बहुत आके अन्य देशों के संविधान में, तो अमेरिका की नागरिकता जो है दोहरी है। अमेरिका की नागरिकता कैसी है, दोहरी है, वहाँ पर राज्य भी एक नागरिकता देता है और देश भी नागरिकता देता है। ठीक, आगे आते हैं, अनुच्छेद जहाँ तक बात है तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 यानी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, इसमें जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं उनको बताना चाहूँगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। ठीक, तो अनुच्छेद 5 देखिएगा, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे चैनल के माध्यम से, लेकिन ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं पाए होंगे, ये मेरा दावा है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि भारत का नागरिक कोई भी व्यक्ति वह होता है जो, ठीक, भारत में 5 वर्षों से निवास बनाकर या अधिवास बनाकर रह रहा हो, ठीक, या उसके जन्म के समय, यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों से भारत में अधिवास बनाकर रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा, या उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एक बार और समझाना चाहेंगे कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो भारत का नागरिक कब होगा, यदि लगातार वो 5 वर्षों से भारत में अधिवास या निवास बनाकर रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों लोग भारत के, उसके जन्म के समय दोनों लोगों में से कोई एक या दोनों लोग भारत की नागरिकता यदि प्राप्त किए हैं तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक, अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति के नागरिकता के बारे में, यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई कभी आपका भारत और पाकिस्तान एक मुल्क थे, ठीक, जो 1947 में अलग हो गए। ठीक, तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी कारणवश भारत में आ रहा है, ठीक, जो CAA का जो मामला चल रहा है, तो उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाती है। पहला, उसमें पहला शर्त क्या होता है कि यदि उसके माता पिता में से, यदि उसके माता पिता अविभाजित भारत के नागरिक होंगे, अविभाजित यानी भारत के बंटवारे के पहले यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तो वो भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ गया, ठीक, पाकिस्तान से आ गया और उसके माता पिता अविभाजित भारत के नागरिक हैं तो वो भी भारत का नागरिक होगा, यानी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और उस समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। ठीक, उसी में एक और शर्त होता है कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को भारत आता है, ठीक, और संविधान लागू होने तक, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक, यानी 19 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 तक वह भारत की नागरिकता यदि प्राप्त कर लेता है, रजिस्ट्रेशन पंजीकृत करा लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। एक बार और सुनेंगे कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि जो दूसरा इसमें शर्त है कि यदि कोई भी पाकिस्तान से आ रहा है वह 19 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 के
बीच में अपना नागरिक पंजीकृत करा लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा। यानी पाँच और छः एक आता है, ठीक। उसके बाद बेहद जो इम्पॉर्टेंट, मैं केवल इम्पॉर्टेंट अंश जो है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहतर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि अनुच्छेद 11 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत आपको नागरिकता देने का कार्य कौन करता है, एकदम सीधा क्वेश्चन होगा कि आपको नागरिकता देने का कार्य कौन करता है, तो आप सोचने लगे कि नागरिकता किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आप सोचेंगे गाँव का प्रधान देता है, ठीक, मुख्यमंत्री देता है, प्रधानमंत्री, ऐसे सोचने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने का काम संसद करती है। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? तीन अंग। संसद के कितने अंग? तीन अंग। और संसद के कितने सदन? दो सदन, ठीक। कौन कौन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद के कितने अंग? तीन अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 11 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता संसद के द्वारा दिया जाता है। ये नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि भारत के व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे दी जाती है, या कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे किन किन प्रकारों से प्राप्त करता है, ठीक। आते हैं उसमें, ठीक। जैसे मान लीजिए उसमें पहला आता है जन्म से, ठीक। जन्म से यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिया हो, उस समय उसके माता पिता यदि भारत के नागरिक होंगे तो वो भी भारत का नागरिक होगा। यह जन्म से कहता है, ठीक। यानी जन्म से क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत में हुए हो, ठीक, और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत या दोनों लोग भारत के नागरिक होंगे तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यानी जन्म से एक आता है, ठीक। उसके बाद वंश परंपरा, ठीक। वंश परंपरा क्या कहता है कि वंश परंपरा का मतलब ये होता है कि जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में नहीं रह रहा है, भारत से बाहर में उसका जन्म हो गया, जैसे मान लीजिए भारत में उसका जन्म नहीं हुआ, भारत से बाहर उसका जन्म हो जाता है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ठीक। तो उसमें यह लगता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेता है और उसके जन्म के समय, ठीक, उसके वंश में से कोई भी यदि भारत का नागरिक होगा तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। उसके माता पिता यदि भारत के नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है जन्म से हो गया, वंश से हो गया, और तीसरा होता है पंजीकरण। तीसरा जो नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो पंजीकरण, पंजीकृत किया जाता है, ठीक। तो पंजीकृत किया जाता है उसे, यानी पंजीकरण होगा किसका, यानी किसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाता है। तो उसमें पहला आता है कि यदि मान लीजिए कोई विदेशी स्त्री है और भारत के किसी पुरुष से शादी कर ली, कोई विदेशी स्त्री और भारत के किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उस स्त्री को पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाती है। एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि यदि मान लीजिए राष्ट्रमंडल देशों में, जैसे भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है, उनमें से ऑस्ट्रेलिया भी उसका सदस्य है, ब्रिटेन भी उसका सदस्य है, भारत भी उसका सदस्य है, यानी मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति भारत आकर नौकरी कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो भाई वो भी उसको यदि भारत की नागरिकता, उसको भी भारत की नागरिकता होने की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको भारत सरकार उसको नागरिकता देगी। यानी राष्ट्रमंडल देशों में से कोई व्यक्ति किसी देश का हो, ठीक, अब वह भारत में नौकरी कर रहा तो भारत सरकार के द्वारा उसको नागरिकता दी जाती है, ये पंजीकरण हो गया, ठीक। उसके बाद चौथा जो होता है वो देशीकरण होता है, ठीक। तो देशीकरण क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार, विदेशी व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा देशीकरण माध्यम के द्वारा उसको नागरिकता दी जाती है, ठीक। पांचवा जो होता है वो होता है भूमि अर्जन, भूमि अर्जन के द्वारा, यानी भूमि अर्जन के द्वारा। इन कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए भारत के सीमा में यदि विस्तार हो जाए और पाकिस्तान का कुछ भूभाग या बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत में शामिल हो जाए या भारत को मिल जाए तो उस भूभाग में जो भी व्यक्ति निवास करेंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये कुछ पांच तरीके से भारत में
नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता भारत में कितने प्रकार से दी जाती है? पांच प्रकार के। कितने प्रकार से? पांच प्रकार से। नागरिकता भाग कितने से लिया गया? दो से। कितने से? दो से। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल है। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल है, ठीक है। ब्रिटेन की नागरिकता कैसी है? एकल है। अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी है। भारत में भी नागरिकता दोहरी थी, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। लेकिन 300 अनुच्छेद 370 को जैसे ही हटाया गया, जम्मू कश्मीर की नागरिकता कैसी हो गई? एकहरी हो गई। यानी अब अपवाद जो था वो हट गया। आपको केवल याद करें कि हम कहाँ के नागरिक है, तो भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक है तो कैसे नागरिकता होगी? एकल होगी, ठीक। तो नागरिकता भाग कितने में? दो में, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इससे अधिक इंपॉर्टेंट, ठीक, इससे अच्छा सॉलिड क्वेश्चन, और ये जितने भी चीज़ें पढ़ाया हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, इससे अधिक, इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, ठीक। थोड़ा आगे बताना चाहेंगे एक और चीज़ कि जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो नागरिकता समाप्त भी की जाती है, या नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो यदि मान लेते हैं कि उसमें यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है लगातार 7 वर्षों से विदेश रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, ठीक। यदि आप स्वेच्छा से चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो आपकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। आपको भारत सरकार के द्वारा भी नागरिकता वंचित किया जाता है, ठीक। यदि मान लीजिए यदि कोई भारत की स्त्री है, भारत की स्त्री है और किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली, जैसे सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का बहुत फेमस शादी रहा, जो जब वह शादी हुआ तो तमाम भोजपुरी गायकों ने गीत निकाले, उसी गीत की वजह से फेमस हो गए। तो सानिया मिर्जा, जैसे मान लीजिए एक सानिया मिर्जा थी जो स्वयं मलिक, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भारत की स्त्री किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है, तो वह क्या होगा कि उसके यानी विदेशी पुरुष से शादी करेगी तो उस स्त्री की नागरिकता खत्म कर दी जाती है, या एक ये हो गया। उसके बाद यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, और युद्ध के समय भारत की सेना का साथ नहीं देता है, ठीक, घात कर देता है, तो वो उसको भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक। या मान लीजिए संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारत सरकार के द्वारा भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये कुछ हमारे द्वारा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया गया नागरिकता पर वीडियो। इससे बाहर मैं पूरे 100% का दावा करता हूँ कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस नहीं होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जैसे आप एक फिल्म को देखते हैं, जब तक फिल्म पूरे अंत तक नहीं जाते हैं कहानी का रहस्य आपको मालूम नहीं चलता, ठीक उसी तरह इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तब जाके आपको मालूम चलेगा। इस चैनल को, हिंदी सीखे चैनल को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को तब तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा जब तक आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगे। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ